मुंबई के चिल्ड्रंस वेलफेयर स्कूल में बड़े ही धूमधाम से डिस्ट्रिक्ट लेवल का साइंस एग्जीबिशन संपन्न हुआ। जहां तक इस एग्जीबिशन की बात करें तो यह एग्जीबिशन पिछले 3 दिन से चल रहा था और इस एग्जीबिशन में मुंबई के वार्ड के स्कूलों ने हिस्सा लिया था। इसमें बच्चों ने अपने हुनर को दिखाया और बताया कि आजकल हमारे लिए विज्ञान कितना जरूरी है। इस एग्जीबिशन के आखिरी दिन प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन का आयोजन किया गया था जो नागालैंड के राज्यपाल श्री पद्मनाभन आचार्य के हाथों हुआ था, जो मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ पहुंचे थे। इसके अलावा MLA भारती लवेकर, MP गोवाल शेट्टी भी मौजूद थे। नागालैंड के गवर्नर ने बच्चों के कामों की तारीफ की और उनके अच्छे भविष्य के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी। एग्जीबिशन के जरिए बच्चों ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर जी को भी श्रद्धांजलि। सुंदर पद आते वहाँ पर रॉकेट छोड़ दिया, बहुत सुंदर कल्पना है। विचार तो दिमाग में है, इतने हैं कि ये विचार जीवन में लागू होने वाला, ऐसे विचार करिए। आइडियाज आर देयर बट दिस आइडिया शुड बी हेल्पफुल टू द सोसाइटी, टू स्ट्रेंथन द सोसाइटी। इतने जो किया है वही मुद्दा है। पंसे जी ने हमारे कहा था, मैं हमारे पास सब कुछ है और किस तरह से आगे बढ़ना है उसी के बारे में। और अति सुंदर कार्यक्रम है, मैं बहुत मन में खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। और हमारे स्कूल के प्रियंका जी इधर बैठे, उनके कारण से और कौल जी को मिलने का बहुत इच्छा थी। और आपके द्वारा मैं सभी को आमंत्रण देता हूँ, सबके सब जो चाहते हैं, पूर्वांचल में हमारी जिम्मेदारी है और इट इज डेंजर जोन है, उनको इमोशनली नज़दीक लाने के लिए मुंबई शहर के हमारे विद्यार्थी, हमारे शिक्षक, हमारे कॉरपोरेशन बहुत कुछ कर सकते हैं और करना चाहिए। ये विचार आपके सामने रखने के लिए उस उद्देश्य में मेरा था, इसलिए मैं आया हूँ। सार्थक हुआ ऐसा लग रहा है, क्योंकि फंसे जी अलग दिन कल वो आने वाले हैं, आने वाले जल्दी से आ जाएँ, ये हमारी इच्छा है।